इस बार गयाजी डैम में भगवान भास्कर को छठ व्रती अर्घ देंगे। छठ व्रतियों की भीड़ होने की संभावना को देखते हुए गयाजी डैम के पास जिला प्रशासन की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार छठ पूजा के दौरान फल्गु नदी में बैरिकेडिंग की जाएगी। वहीं जगह जगह गहरा पानी होने का साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा। SDRF की टीम भी तैनात की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि छठ पर्व में गयाजी डैम के निर्माण के पहले नदी में अर्घ देने के लिए जगह जगह कुंड बनाए जाते थे, लेकिन इस बार नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व कुछ ही दिनों के बाद यह शुरू होने वाला है और इस बार गयाजी डैम में जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी में गयाजी डैम बनाया गया है और इस बार पहली बार फल्गु डैम के पानी में छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। हमारे साथ में भी अभी यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है। हर बार तो फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था, लेकिन इस बार रबर डैम बनने के कारण बहुत अच्छी पानी है और मैं जिला प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि इसकी अच्छी व्यवस्था की जाओ, साफ सफाई हो और रख रखाव अच्छी हो। जो पिछले साल जो छठ व्रत होता था उसमें क्या देखते थे? पिछले साल जो होता था तो सफाई होती थी, लेकिन बीच में जो नदी के बीच में लोग छठ व्रती जाकर व्रत करते थे, छठ करते थे। इस साल बीच का पानी है, चारों तरफ पानी है और इस साल साइड में करेंगे वो। इस आस्था को हम लोग सब लोग मांग करेंगे जिला प्रशासन से कि इसकी एक सुंदर घाट की सुंदर व्यवस्था हो, जहाँ पे लाइट वगैरह की अच्छी जैसे कि सुविधा हो, सर सफाई अच्छी हो। अभी तो जो सफाई है उसको देखते हुए पितृपक्ष मेला में जो हमारे कर्मचारी थे उनकी जो सफाई की जैसे कि व्यवस्था थी बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके जाने के बाद में सफाई में कुछ कमी आ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि एक अच्छी जहजे के व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कुछ कर्मी हमारे बाहर से भी अगर आते हैं तो उनको भी लगा कर कर के इस महान जैसे के आदित्य पर्व को हम लोग सब लोग साथ में मिल कर के पूरे शहरवासी गया जी में जो एक नई लुक आई है उसका हम सब लोग आनंद लें। जैसा कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बार गयाजी डैम में फल्गु नदी में पर्याप्त जल है और छठ व्रती जो है जो जैसा कि पिछले बार जो होता था कि हमेशा फल्गु नदी में जगह जगह कुंड बनाए जाते थे, इस बार कुंड नहीं बनाया जाएगा क्योंकि गयाजी डैम के निर्माण हो जाने के बाद फल्गु नदी में पर्याप्त पानी है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पानी जो जमा है वो काफ़ी दूषित हो चुका है, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पहल करने की ज़रूरत है। अजीत कुमार, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड, गया।